स्टूडेंट्स बेटा, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। देखिए, ये दो लाइन पैरेलल हैं, एल एम की पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल कहलाती हैं अगर हमें उन्हें एक्सटेंड करें तो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना हो। आपको इसकी डेफिनेशन कॉपी में लिखनी है। यहां से स्टार्ट होगी। टू लाइन्स इन द सेम प्लेन आर सेट टू बी अ पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस इनफाइनेटली इन अदर डायरेक्शन। यानी दो लाइन अगर सेम प्लेन पे हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहेंगे अगर हम उन्हें किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज करें इनफाइनेट तक, तो वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर लाइन L M के पैरेलल है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, L पैरेलल टू M। ठीक है, फिर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है इसकी भी आप डेफिनेशन लिखेंगे। आ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर गिवन लाइंस इन अ प्लेन एट अ डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन। यानी वो लाइन जो दो या दो से अधिक पॉइंट पर, ठीक है, कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे देखिए, ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? क्योंकि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दो से ज्यादा पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकती थी। अब है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल बिट टू लाइन्स। ये दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। इनसे आप देखिए कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। ठीक है, अब हम ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। इससे हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये लाइन के इस साइड और इस साइड यानी बाहर की साइड जो एंगल्स बन रहे हैं ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सटीरियर मीन बाहर के, तो एंगल 1, 2, 8, 7 ये आपके कैसे एंगल कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, द एंगल विच डू नॉट कंटेन सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द टू लाइन्स आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब इंटीरियर क्या होते हैं, ये दो लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दो लाइन के बीच जो अंदर के एंगल्स हैं, एंगल 3, 4, 5, 6 ये आपके कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। द एंगल्स हूज आर्म्स इंक्लूडेड लाइन सेगमेंट ऑफ द ट्रांसवर्सल बिटवीन द टू लाइन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3, 4, 5, 6 तो ये दो लाइन के अंदर है इसलिए इंटीरियर है, ये लाइंस के बाहर है इसलिए ये एक्सटीरियर है। अब हम बात करेंगे क्रॉसफॉर्निंग एंगल्स की। टू एंगल्स आर सेट टू बी आर क्रॉसफॉर्निंग इफ दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो क्रॉसफॉर्निंग एंगल्स होते हैं वो सेम साइड में होते हैं ट्रांसवर्सल के। वन ऑफ देम इज इंटीरियर एंगल एंड अदर इज अ एक्सटीरियर। उसमें से एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर होता है और दोनों लाइन के सेम साइड होते हैं। देखिए, ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए लाइन के एक साइड ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या बनाते हैं, एफ की शेप बनाते हैं। देखिए, ये लाइन होगी, एफ सा बन रहा है। सिमिलरली ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, लाइन के इस साइड ये देखिए इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, तो ये क्या हो गया आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली देखिए, अब ट्रांसवर्सल के इधर बन रहे हैं, ठीक है, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, ये भी एफ फॉर्म कर रहा है, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली इसे देखिए, ये दो लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर, तो ये कहलाते हैं आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो एफ फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं। अब अल्टरनेटिव एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स आर सेट टू बी अल्टरनेटिव एंगल्स इफ बोथ ऑफ देम आर इंटीरियर।
दोनों इंटीरियर होते हैं। दे लाए ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में लाए करते हैं। और दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं, यानी उनका सम 180 नहीं होता है। अब देखिए ये दो लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ट्रांसवर्सल के इधर है और एक इधर है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है। अब देखिए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी इंटीरियर है और ये भी है, और दोनों लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये जेट फॉर्म करते हैं। देखिए ये देखिए जेट बन रहा है, ये देखो जेट बन रहा है। तो जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो एफ फॉर्म करते हैं और अल्टरनेटिव एंगल्स जो है वो जेट फॉर्म करते हैं। अब ये जो एंगल्स हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बेटे, टू एंगल्स आर सेड टू बी अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स इफ बोथ ऑफ देम एक्सटीरियर एंगल, अगर दोनों एक्सटीरियर होते हैं, एंड दे लाइ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होते हैं, एंड दे डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर को नहीं बनाते हैं। देखिए दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक लाइन के इस साइड है और एक इस साइड, एक ये एक्सटीरियर ये, तो ये दोनों आपके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। सिमिलरली इसको देखिए, ये ट्रांसवर्सल है, एक इधर एक्सटीरियर है और एक इधर एक्सटीरियर है, तो ये कहलाते हैं आपके एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। अब है आपका को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? दीज एंगल्स आर सो नेम बिकॉज दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंड इन साइड द लाइन, यानी ये दो लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम लाइट लाइन सेम साइड में होते हैं और इंटीरियर होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे देखिए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और दोनों अंदर के एंगल्स हैं, तो ये कहलाते हैं आपके इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई? नाउ अब आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात है, इसका कन्वर्सली भी ट्रू होता है, मीन अगर इफ टू ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस सच दैट एनी वन ऑफ देम ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हो, पेयर ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 हो, तो लाइन्स पैरेलल होती हैं, और अगर लाइन पैरेलल्स होती हैं तो ये तीनों कंडीशंस होल्ड होती हैं, तो दे आर कन्वर्सली, मीन अगर लाइन पैरेलल है ये तीनों बातें होंगी, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और को इंटीरियर का सम 180 होगा, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो लाइन्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपने समझे हैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव इंटीरियर क्रॉसपॉन्डिंग, यही सब कुछ यहाँ पर यूज होने वाला है, इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। अब आपको एक फिगर दी है, इसमें आपको एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दे रखे। अब आपसे कहा जा रहा है इफ एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल है, एंगल 105 बराबर है, ठीक है, तो क्यों होगा? क्वेश्चन आपके है, इन द फिगर स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? जैसे अगर एल एम के बराबर है तो एंगल 105 इक्वल होंगे क्यों? तो देखिए एंगल 105 लाइन के एक साइड है, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स लाइन पैरेलल है, तो ये कैसे एंगल है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इसलिए ये इक्वल है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ एंगल 4 और एंगल 6 बराबर है, देन एल इज पैरेलल टू पी। देखिए 4 एंड 6 ट्रांसवर्सल के इस साइड है और एक इस साइड है, दोनों इंटीरियर, तो क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इसलिए लाइन पैरेलल है, तो रीजन क्या हो गया? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है, इफ 4 प्लस 5 एंगल 4 प्लस 5 180 है, देन एल इज पैरेलल टू पी, एल पी के पैरेलल है, 4 प्लस पी मीन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री है, ठीक है, इसलिए एल पी के
पैरेलल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दी है, ये फिगर दे रखी है आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और ये आपको फिगर गिवन है। आपका पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको क्रॉस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। तो देखिए क्रॉस्पॉन्डिंग लाइन के एक साइड पर, देखिए इस लाइन के साइड में देखेंगे ये 1 है और ये 5 है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, तो एंगल 1 और 5 एक पेयर हो गया। दूसरा देखिए एक इसी साइड में देखिए ये इंटीरियर या एक्सटीरियर, तो एंगल 4 और 8 हो गया। अब लाइन के इस साइड देखेंगे एंगल 2 और 6 एक्स हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 2 और 7 हो गया, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, देखिए ये लाइन है ट्रांसवर्सल है, एक इधर है और एक इधर है, तो 3 एंड